उत्तराखंड एक सुंदर प्राकृतिक प्रदेश है। यहाँ तरह तरह के उपयोगी वृक्ष पाए जाते हैं। ऐसा ही एक उपयोगी वृक्ष है पदम का, जिसे स्थानीय भाषा में पहिया कहा जाता है। नेडाली पया जामी देवतों की डाली, नेडाली पया जामी। तो ये पया को देवताओं का पेड़ कहा गया है, क्योंकि इसके बहुत सारे उपयोग है। पूजाओं में हर जगह लगता है। उसके अलावा इसको जो है अपने कास्त के लिए लोग उपयोग करते हैं। बहुत सारी जगह तो इसके पेड़ को काटते भी नहीं। सर्दियों में सब जगह सब पेड़ सूख जाते हैं या उन पे पतझड़ होता है, उस समय ये तैयार होता है। इसलिए इसको पूजते हैं और हर जगह इसकी पूजा में उपयोग किया जाता है। धीरे धीरे पदम का पेड़ सूख रहे हैं, जिससे उत्तराखंड की पूरी संस्कृति ही विलुप्ति के कगार पर है। जो हमारी परंपराएं हैं, इससे जुड़ी जो संस्कृति है, जो हमारा जीवन चर्या है, जो समाज को एक दिशा देने का जो काम इसके बहाने होता था, वो उसका नुकसान होगा। पर्यावरण को बड़ी क्षति होने वाली है, क्योंकि सर्दियों में जब सब जगह पतझड़ होता है, उस समय जो ऑक्सीजन देने का एकमात्र साधन हुआ करता था पहाड़ में, वो खत्म होगा। तो ऑक्सीजन जो शुद्ध हुआ होती तो उसमें कमी आएगी, लोगों को बीमारियां होंगी, बहुत सारे नुकसान इससे होने वाले हैं। पदम उत्तराखंड के लिए एक महत्वपूर्ण वृक्ष है, जिसका उपयोग लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ करते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इसका संरक्षण हो। इसके लिए आप भी हमें सहयोग कर सकते हैं। वन क्षेत्राधिकारी गैरसैन लोहबा रेंज को 9412949821 पर फ़ोन करके हमारा सहयोग करें। इंडिया अनहर्ड के लिए गैरसैन उत्तराखंड से मैं लक्ष्मी नौटियाल।